हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। मैं इस समय खड़ा हूँ मुन्नूगंज वार्ड नंबर 20। आपको मैं बता दूं, ये आप जो प्लाटिंग देख रहे हैं और वहाँ तक जहाँ तक नज़र जा रही है, ये रातों रात में दीवार उठाई गई है और इनके 500 साल का इनके पास इनका ये कहना है कि मेरा कब्जा था और कोई रसीद भाई जी हैं, उन्होंने रातों रात इस पर बुलडोजर चलाया। और अगर आप सही हो तो आपने बिल्डोजर क्यों चलाया, नंबर एक। और किस हिसाब से आपने दरवाजाओं को लगा लगा, जैसे आप मेरे देखिए सीमेंट वाले आप देखिए दीवाले, क्योंकि इसको कब्जे की नीयत से बुलडोजर लगा लगा के इसको चढ़ाया गया। और आप इसके दरवाजे की अगर मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ, तो इसको एक मेन उद्देश्य इसको बाउंड्री करने का था कि कब्जा कैसे रातों रात हम करें। जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी व्यवस्था बना के ये रखी गई। और यहीं पर दोनों ही मुस्लिम समुदाय के हैं और इनका कहना है कि हमारी 1936 घाटा संख्या आपकी कितनी है, 1619 घाटा संख्या में इनका नाम दर्ज है। क्या नाम भाई साहब आपका है? इमरान जी। तो जो घाटा संख्या जो 1619 है, उस घाटा संख्या में आपका नाम है? जी नाम है। देखिए जमीन है ये हमारी, ये पुस्तैनी जमीन है। इसको पूर्व में मेरे बाबा ने 26 डिसमिल का बैनामा किया था, जो कि फुल रकबा इसका 67 डिसमिल का है। और 4 डिसमिल पहले मैंने बेची है 2009 में इनके हाथ, जमील व बिलाल के हाथ। अब इन लोगों ने 420 करके पूरी जमीन अपने नाम करवा ली थी पूर्व में, उसी का आज तक हमारे पास कब्जा भय बना हुआ है। मैंने अपनी जमीन नहीं छोड़ी थी किसी भी हाल में, लेकिन मैंने जब बात दायर किया 38(1) में पहला दावा किया तो एसडीएम साहब कोर्ट ने हमको ये कह के खारिज कर दिया कि इन धाराओं के अंदर टूटी और केवल है जो नाम छूटे जो होते हैं उनको ही सही करा जा सकता है। कृपया आप मतलब जो है घोषणा तक बाद लाइए। जब हम घोषणा तक बाद में आए हैं तो हमसे ये कह के खारिज कर दिया गया कि आप 2A से प्रभारित हैं और इसकी भी इसमें घोषणा तक बाद में इसको नहीं हो सकती है। तो यही कहना, लेकिन रशीद अहमद का ये भी कहना था कि हमने इसमें प्लाटिंग भी की है हमने, और उनकी भी घाटा संख्या में नाम दर्ज कैसे होगा सर? दर्ज इसीलिए है कि भाई 2604-30 के वो मालिक है जी जी। अब पूरी उन्होंने अगर करवा ली अपने नाम है तो उसका हमारे पर राइट है कि हम उसको सही करवाए, उसी के लिए हमने है। जो वही घाटा संख्या मैं आपको बता दूं, जो भैया जी की घाटा सही है 1619 की घाटा संख्या जो है उसी में जो लोग रहते हैं और उसका उसी की जगह मैं आपको भी दिखा दूं थोड़ा, क्योंकि अगर घाटा संख्या 1619 है उसी की घाटा संख्या के द्वारा जो इनका मकान बनाया है और जो वहां तक लेंथ इनकी थी, जैसे आप देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं ये दो मकान है, 1619 घाटा संख्या में ये लेंथ आ रही थी जैसे। लेकिन 9 तारीख को जो विवाद हुआ है लोगों का, इनका ये कहना है, कुछ महिला भी हैं खड़ी हैं, थोड़ा इधर आ जाइए आप। उस दिन 9 तारीख को क्या हुआ था, आपको जब कब्जा हो रहा था वहाँ पे दीवारें उठाई जा रही थी और रात के दौरान आप लोगों को दरवाजे में बंद कर दिया था, ताला लगा दिया था, ताला लगा दिया गया था। करीब 200 लोग थे हाजी जी और हाजी रशीद हैं, मारसी जो मारसी हैं, ये सारे लोग थे, हमारे घर के आदमी थे नहीं उस समय। कौन तारीख थी उस दिन? 9 तारीख की बात है, 9 वाली रात में जी। बुलडोजर भी था सब था। अच्छा अच्छा, तो क्या आपको ताला लगा के कितने, क्या बाहर से लोग भी आए थे? क्या बाहर से भी लोग थे? सब थे, सब मतलब हम अंदर घर में थे लेकिन यहाँ बाहर सब लोग थे, काम शुरू हो गया था। ये रातों रात में इसी दीवाले से उठाई गई? जी रात में उठी है ये सारी। क्या नाम बताए? राशिद जी। कौन है? राशिद अहमद, राशिद हाजी रशीद मुन्ना मारसी और डॉक्टर मुनीर। अच्छा अच्छा जी। ये लोग इतने लोग समथिंग कितने लोग होंगे जिस दिन ये सब कब्जे? जी यहाँ पे कम से कम 250-250 लोग थे सब। अच्छा अच्छा, आपकी जो घाटा संख्या है 1619 उसी घाटा संख्या के दौरान यही सब है पूरा? जी जी, सारा मकान हमारे इसी में बने हुए। और कभी जो पुस्तैनी आपका जी, हमारे, 50 हमारे साल का कब्जा है जी, हमारे दादा परदादा की जगह से है सब। अच्छा अच्छा जी। तो जो रशीद मुझे कह रहे हैं कि हमारी भी प्लाटिंग है, मैंने भी प्लाट किया मेरा ऐसा कुछ, तो ये सब भाई इन लोग को मालूम है तो करेंगे, लेकिन हम लोग का जो है हम लोग तो बता सकते हैं, वही हम लोग कर पाएंगे, दूसरा थोड़ी ना कर पाएंगे। जब कुछ करने जा रहे थे कि आपसे कोई बात हुई थी कि भैया ऐसी ऐसी बात? नहीं नहीं, अचानक में कब्जा किया है एकदम से, बगैर बताए। धारदार हथियार भी लाए थे कैसे, तो क्या माहौल था? मतलब था पूरा सब यही इरादा, लेकिन वो लोग हमारे घर के आदमी नहीं थे तो इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे। क्या
जी मारा पीटी तो नहीं हो पाई, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, मर गए आदमी नहीं थे, सिर्फ औरतें थी। दरवाजों में ताला लगाया जी, घर में ताला लगा दिया था, आए इरादे से ही थे, पूरे मारा पीटी के इरादे से थे, लेकिन हमारे घर में था ही नहीं कोई। देखिए आपको मैं इसमें बाढ़ में खड़ा हूँ, मुन्नूगंज, ये एक चर्चित विषय बन गया है मुन्नूगंज वार्ड नंबर 20 का, क्योंकि आपको बता दें ये जगह काफी है और जगह जिसने बनाई है उसने कुछ रोडों की भी चौड़ाई जो है 8, क्योंकि रोड अक्सर आपको पता होना चाहिए, लोगों के मकान होते हैं, लोग गाड़ी लेते हैं, लेकिन किसी ने भी बनाई, लेकिन उसने रोड की भी जगह कब्जा करने की, क्योंकि नाले से आगे तक बढ़ाई गई जगह। आप नाला ये देखिए, थोड़ा इधर लगिए, इतना इधर देखिए, इसको प्रशासन को भी देखना चाहिए, नगर पालिका को भी, कि ये एक गोला गोकरणनाथ के अंदर जो जमीन पड़ी थी, यहाँ पे कभी तलिया वगैरह हुआ करती थी, और इनका जैसे कहना मैम का कि ये इनके पुस्तूनियों की जगह है, और जगह के दौरान यहाँ पर जिस हिसाब से बाउंड्री उठा रही है, यहाँ पर अगर कोई अपनी फोर व्हीलर या गाड़ी लाए तो उसको निकलने में भी दिक्कत हो, इस पर नगर पालिका को भी संज्ञान में लेना चाहिए। सर क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? सर हम यही कहना चाहते हैं, हमने जो है जो हाजी रशीद आलू बेचते हैं, ये क्या सोना उगलते हैं क्या? योगी राज में ये तो होना नहीं चाहिए, जो ये दूसरे अति अहमद है कायदे में, तो इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होना चाहिए योगी राज में कि जिंदगी में सुधर जाए। ये दो दो तीन तीन बार हज करने जाते हैं, हज में अतीक अहमद है, बिल्कुल अतीक अहमद है ये, बिल्कुल बिल्कुल। और पता नहीं इनके कनेक्शन कहाँ कहाँ से जुड़े हुए, इनका अगर कोई गाड़ी ले या कुछ ले, लेकिन इन्होंने कुछ जगह बढ़ा के भी की है। अरे सर यही तो हम दिखाना चाह रहे हैं, ये जमीन है, वो मकान है, जैसे अपने गृह राज्य मंत्री जी हैं जो जी। उनका भी मकान छोटा पड़ जाएगा, और बेचते ही आलू हैं, इनके घर में 12-8 दुकानें हैं, और इनके घर कम से कम करोड़ रुपए पावर्टी है, और 2006 में ये हमारे घर पे किराए पर रहते थे, ये इतना रुपया लाए कहाँ से है? तो योगी जी से यही मेरा कहना है कि इनकी यही दूसरे अतीक अहमद जो ये है रशीद अहमद, ये अतीक अहमद की तरह इनकी तरह जांच हुई जाए। और 1619 गाटा संख्या जो है, उसी गाटा के संख्या के अंतर्गत जो तुम्हारा मकान बना जी, बिल्कुल बना हुआ है, ऐसे ही तो है, बिल्कुल बना हुआ है। फिर आपने ऐसा क्यों दिमाग लिया कि बाउंड्री कर ले, क्या इसी प्रॉब्लम की? आपका व्यवसाय भी सब्जी का, आप मिडिल क्लास, सब्जी का काम हम भी करते हैं, रशीद अहमद भी करते हैं, लेकिन आप मेरे घर तीनें पड़ी हुई है 8-10 साल से, मैं आती हूँ, और ये आलू बेचते हैं, और इनके कहने इतनी बड़ी कोठी कहाँ से बनी, इतनी जगह कहाँ से? उस दिन थे, उस दिन 9 वाली रात में जब बुलडोजर रातों रात उठाया जा रहा था, उस दिन आप घर पे थे, क्या बता रहे कि ताला आपके? ये लेडीज थी, जैसे आपको कोई बकाल, मैं बरेली बाहर चला जाता हूँ, मेरा भाई बरेली चला जाता है, और या मेरा इमरान बरेली चला जाता है, तो मेरा बाहर से काम है, मेरा खुद का काम है नहीं कि हम पैसा लगाते हैं तो पैसा उधर से आता है हमारे पास। और ये लोग हैं, ये लोग कहने इतना रुपया है कि अगर ये लोग बेड पे लगा के रुपया सोए तब भी रुपया कम नहीं पड़ेगा इनके कहने। और मैंने 4 बार आयकर विभाग में शिकायत करी है, बड़े बड़े अधिकारी जो, और इनके मेरे कहने एप्लीकेशन भी रखी है, और उसके बावजूद ये रुपया रिश्वत दे के निकल जाते हैं। देखिए मैं इस समय मुन्नूगंज में, ये एक चर्चित विषय हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तलिया हुआ था कोक का, हमें लगता है कम से कम 1 एकड़ होगा। हाँ 1 एकड़ है सर, 1 एकड़ की जमीन का मामला है, उसको कुछ लोगों का कहना है, इसको विवाद बनाने के कारण ये दोनों पक्ष के खतौनी में नाम है, और दोनों के दर्ज हैं जैसे बता रहे हैं, इनका कुछ कोर्ट में भी मामला चल रहा है, आपका कोर्ट में चल रहा है? हाँ कोर्ट में चल रहा था, तो अखिलेश यादव ने जी ने एसडीएम साहब ने ये कहा था कि ये धारा गलत है, दूसरी धारा में आइए, तो हम दूसरी धारा में कहा, तो ये एसडीएम साहब ने ये कह दिया ये भी धारा गलत है। अब मुझे इसमें मुन्नूगंज वार्ड नंबर जो यहाँ पे 1 एकड़ की जमीन है उसको संज्ञान में हमारे एसडीएम और गोला कुतवाल क्या संज्ञान लेते, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि यहाँ लड़ाई झगड़ा का भी माहौल बन सकता, हो सकता मर्डर भी हो सकता। मान अनंत कुमार थे कैमरा। बनाए लो सब लोग रात में जबरदस्ती काम करेंगे।
यार जबरती रहता रात सब लोग जबरती बनाए जो बने वाला ना पटाओ ना पूरे चक्कर दी पहले तो आदमी पटाओ डरवाओ नहीं भराई के जबरती रहता रात सब लोग जबरती बनाए जो बने वाला ना पटाओ ना पूरे चक्कर दी पहले तो आदमी पटाओ डरवाओ नहीं भराई के जब है तो